सेक्स स्कैंडल से हंगामा शुरू हो गया है। इस बार एचडी देवगौड़ा के पोते सूरज पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे। सूरज पर एक युवक के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए गए और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार के बाद कर्नाटक पुलिस ने केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया है। देवगौड़ा परिवार की मुश्किलें अब बताया जा रहा है इसके बाद और ज्यादा बढ़ सकती हैं। सेक्स का केस, देवगौड़ा का पोता गिरफ्तार। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कर्नाटक में रेवन्ना परिवार की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स वीडियो कांड के बाद पूरा परिवार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के बाद अब उनके भाई सूरज रेवन्ना की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। सूरज रेवन्ना का मेडिकल टेस्ट भी हुआ है। उन पर भी यौन शोषण का केस दर्ज किया गया है। जेडीएस पार्टी के कार्यकर्ता ने सूरज पर समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवक का आरोप है कि 16 जून को जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित युवक ने सूरज के खिलाफ हासन जिले के होले नरसिंहपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने सूरज के खिलाफ आईपीसी की धारा 377, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही पुलिस ने पीड़ित युवक का बेंगलुरु में मेडिकल टेस्ट भी करवाया है। प्रज्वल रेवन्ना, उनके पिता एचडी रेवन्ना और उनकी पत्नी रेवती रेवन्ना के बाद अब प्रज्वल के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। Today I am not met there. I will meet there only investigation officer. The investigation officer is still there today 5:30 evening producing 42 ACM in court in Bangalore. Today is 5:30 only. Investigation is going on. After that tell the matter. Tomorrow I will enter filing the bail petition in Bangalore. हम आपको बता दें, पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे और हासम के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई जेडीएस सूरज रेवन्ना एमएलसी हैं। उन्हें हासन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरज पर 16 जून को होले नरसिंहपुरा में अपने गन्नी काडा फार्म में कथित तौर पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया था। 27 साल के पीड़ित युवक ने अपने साथ हुए रेप पर जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। पीड़ित युवक के मुताबिक उसका शोषण फार्म हाउस में हुआ। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सूरज ने मुझे 16 जून को गन्नी काडा में अपने फार्म हाउस में मिलने के लिए बुलाया। मैं प्रवेश द्वार पर पुलिस कर्मियों से मिला जिन्होंने सूरज का संदेश दिखाने के बाद मुझे अंदर जाने दिया। जैसे ही मैं सूरज के कमरे में दाखिल हुआ वह उठा, मुझे अनुचित तरीके से छुआ और मेरे होठों पर चुम्बन दिया, पीड़ित ने आगे कहा। फिर उसने मेरे कपड़े उतारे और मेरी आपत्तियों के बावजूद अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। सूरज ने वादा किया है कि अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो वो मुझे राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगा। हासन पुलिस के सूत्रों के अनुसार सूरज को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। हासन के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक आईपीसी की धारा 377 के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में सूरज रेवन्ना गिरफ्तार किया गया है। एचडी रेवन्ना के एक दूसरे बेटे और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पेन ड्राइव कांड के सिलसिले में सीआईडी की एसआईटी ने पहले ही गिरफ्तार करा है। कुल मिलाकर देवगौड़ा का लगभग पूरा परिवार जेल में बंद हो गया है। तो जिसने जमानत कराई उसी को मौत के घाट उतार दिया गया है। चौंका देने वाला मामला इंदौर का, जहां बीजेपी के एक नेता को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। मोनू कल्याणे की जान लेने के आरोप उसी शख्स पर है जिसकी जान कभी मोनू कल्याणे ने पुलिस से बचाई थी। मोनू कल्याणे इंदौर बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो गोली मारने के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। क्या कुछ है पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। चली हुई गाड़ियां, बंद पड़े बाजार, सड़कों पर सन्नाटा, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां एक तरफ पुलिस का जमावड़ा है तो दूसरी तरफ सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इंदौर में ये सब कुछ हुआ बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के हासम खास मोनू कल्याणे की हत्या के बाद।
मोनू कल्याणी की हत्या बीती रात उस वक्त की गई जब वो भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे। आज इंदौर में वो यात्रा निकलने वाली थी। मोनू कल्याणी ने मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी भगवा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन इससे पहले की यात्रा निकलती मोनू कल्याणी का उनके समर्थकों के बीच कत्ल कर दिया जाता है और कातिल फरार हो गए। बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनके वो ढूंढ रहे हैं। वो अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था। मोनू कल्याणी बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे और वो इलाके में निकलने वाली भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मोनू कल्याणी को गोली मारने वाले उनके घर के पास ही रहते हैं। आरोपियों ने एक से ज्यादा फायर किए थे। वहीं घटना के बाद आक्रोशित मोनू के समर्थकों ने आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है और मोनू के घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये जो मकान है, ये मकान जो है ये अर्जुन का है। अर्जुन के घर के बाहर पर ये जो गाड़ियां खड़ी थी, मोनू कल्याणी के समर्थक कल देर रात पहुंचते हैं, हत्या के बाद से काफी नाराज थे, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा देते हैं, घर के अंदर जाते हैं और घर का एक एक सामान जला देते हैं। अभी भी घर के अंदर से धुआं निकल रहा है, यानी बवाल शांत नहीं हुआ है। बवाल को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स इस वक्त क्षेत्र में मौजूद है। चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मियों को लगाया गया है कि कोई यहाँ पर बवाल ना मचे, क्योंकि मोनू कल्याणी के जो समर्थक है काफी गुस्से में और मोनू कल्याणी का इस क्षेत्र में काफी बड़ा दबदबा है। युवाओं की बड़ी फौज है मोनू कल्याणी के पास में और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद खास है। पुलिस के मुताबिक जेल रोड स्थित तो उषा फाटक के रहने वाले मोनू कल्याणी रैली की तैयारी में जुटे थे। बाइक सवार दो युवक मोनू कल्याणी के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा। मोनू ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकालकर मोनू के सीने पर गोली मार दी और भाग निकले। गोली मारकर भाग रहे बदमाशों पर बैनर लगवा रहे मोनू के साथी ने हाथ में रखी वस्तु फेंक कर मारी तो बदमाशों ने उस पर भी फायर किए और भाग निकले। मौके पर करीब 3 से 4 फायर होने की जानकारी है। 2 खोल भी पुलिस को मिले हैं। पड़ोसी उसी मोहल्ले में रहते हैं, वो आए और आपस में बात कर रहे थे। उसी समय कोई फोन नंबर एक्सचेंज करने की बात हुई, जब वो फोन नंबर एक्सचेंज कर रहे थे उस समय उन्होंने 2 गोली ऊपर चला दी। 2 गोली के खोके तो हमको वहाँ मौके मिले हैं। चश्मदीद साक्षी राहुल था, उसका कहना भी यही है कि जब हम उनको बचाने दौड़े, हम झंडे लगा रहे थे तो हमको हमारे ऊपर ही फायर किए और मौके से भाग गए। घटना का कारण क्या है, घटना के पूर्व की रंजिश है या अन्य कोई कारण है, उस संबंध में जानकारी कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि एक ही समाज के एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए पता करने की कोशिश की जा रही है। मोनू कल्याणी इलाके के लोगों के बीच लोकप्रिय थे, जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। इसीलिए मोनू कल्याणी की हत्या की खबर इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई और व्यापारियों ने हत्या के विरोध में बाजार बंद कर दिया। भगवा यात्रा के पहले बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। नाराज समर्थकों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की और पूरे घर में आग लगा दी। बाहर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर पथराव किया और आग के हवाले कर दिया। 5 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 7 थानों का फोर्स क्षेत्र में मौजूद है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरा इलाका जो है इस वक्त काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या हुई है और मोनू कल्याणी इस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा रखते थे। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक जिन 2 आरोपियों पीयूष और अर्जुन ने इंदौर के चिमन बाग के चौराहे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो पहले से ही मोनू कल्याणी को जानते थे। जानकारी ये भी मिली है कि कुछ महीने पहले ही मोनू कल्याणी ने अर्जुन को थाने से छुड़वाया था और अर्जुन और मोनू के बीच कुछ दिन पहले कहा सुनी भी हुई थी। ये भी पता चला है कि अर्जुन ब्याज का काम करता है। फिलहाल इंदौर पुलिस इन दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रोटेम स्पीकर पर सियासी विवाद गहराया है। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के विपक्ष ने रणनीति बनाई है।
स्पीकर की कुर्सी पर विपक्ष नहीं बैठेगा, ऐसी जानकारी है। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए विपक्ष ने रणनीति जो है पूरी तरीके से तैयार कर ली है। सियासी गलियारों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है और इसके तहत जानकारी ये निकल कर आ रही है कि स्पीकर की कुर्सी पर विपक्ष नहीं बैठेगा। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए यह रणनीति जो है बनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो प्रोटेम स्पीकर पर सियासी विवाद जो है वो गहरा गया है। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के विपक्ष ने यह रणनीति बनाई है और स्पीकर की कुर्सी पर विपक्ष नहीं बैठेगा और जो है ये विपक्ष की रणनीति।